इस वीडियो में बात करेंगे Realme GT 3 240 वोट एडिशन के हवाले से, इसकी कंप्लीट लॉन्च डेट प्राइस आपको बताऊंगा पाकिस्तान इंडिया में, एंड यहां पर स्पेक्स क्या आने वाले ये बताऊंगा मैं आपको इसी वीडियो में। तो वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, कंप्लीट वॉच करनी। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर ग्लोबली लॉन्च होने वाला, लॉन्च डेट कन्फर्म हो चुकी है 28 फरवरी को लॉन्च होने वाला है, ठीक है ना। और कहाँ पर लॉन्च होने वाला है ये बताता हूँ, देखने इंडिया में लॉन्च होने वाला है ये, ठीक है। और जहाँ तक बात करें प्राइसिंग की, तो जस्ट एक हफ्ता रह गया इसके लॉन्च होने में, तो इस वजह से मैं नहीं बता रहा हूँ प्राइसिंग, क्योंकि जब इसकी कंफर्म हो जाएगी तब मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा, ओके। तो यहाँ पर अगर हम बात कर लूँ सबसे पहले इसके हवाले से कि ये पाकिस्तान में कब आएगा, देख लें पाकिस्तान में फ़िलहाल तो कुछ कंफर्म नहीं कि कब आएगा, बट यही कहा जा रहा है कि अगले आने वाले 2 से 3 महीने में हो सकता है पाकिस्तान में लॉन्च कर दिया जाए, ओके। और यहाँ पर अगर मैं बात कर लूँ इसके हवाले से कुछ इसकी स्पेसिफिकेशन के हवाले से, तो स्पेसिफिकेशन ये हमारे पास मौजूद है, 5G मोबाइल है, और यहाँ पर देख सकते हैं वेट इसका 199 ग्राम है, एंड यहाँ पर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाएगा 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ, 1400 ब्राइटनेस किट्स मिल जाएंगे, 6.74 इंच का डिस्प्ले साइज मिल जाएगा, यहाँ पर स्क्रीन रेजोल्यूशन मिलेगी 1240x2772, एंड यहाँ पर 451 PPI मिलने वाला है। आउट ऑफ द बॉक्स हमें मिल जाएगा एंड्रॉयड 13 Realme UI 4.0, स्नैपड्रैगन का 8+ Gen 1 प्रोसेसर मिल जाएगा, और यहाँ पर मेमोरी कार्ड स्लॉट नहीं मिल रहा, 8 GB रैम जो कि बेस है मेरे ख्याल से LPDDR4X पे, और यहाँ पर रैम की, यहाँ पर स्टोरेज की बात कर लें तो स्टोरेज की यहाँ पर 128 GB स्टोरेज मिल जाएगी जो कि बेस है UFS 3.1 पर, ठीक है। और यहाँ पर अगर बड़े वाले वेरिएंट की बात कर लें तो 16 GB हमें बड़ा वाला वेरिएंट मिल जाएगा रैम के साथ, और स्टोरेज मिल जाएगी 512 GB, ओके। तो कैमरास की बात कर लें तो ट्रिपल कैमरा सेटअप आ रहा है, 50 MP का मेन सेंसर विद F1.9 अपर्चर, ऑप्टिकल स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट मिल जाएगा मेन सेंसर के अंदर, एंड 8 MP का अल्ट्रावाइड सेंसर F2.2 अपर्चर के साथ, 2 MP का यहाँ पर मैक्रो सेंसर मिल रहा है, और 4K वीडियो बना लेगा 30-60 FPS, 1080p वीडियो बनाएगा 60 FPS, सेल्फी कैमरा मिल जाएगा सिंगल 16 MP का F2.5 अपर्चर के साथ, ओनली 1080p वीडियो बनाएगा, स्टेरियो स्पीकर मिल जाएंगे, ब्लूटूथ 5.3, टाइप सी 2.2, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, 4600 mAh विद 240 वॉट फास्ट चार्जिंग। ये हमारा मोबाइल 4 मिनट्स में 50% चार्ज हो जाएगा, ओनली 10 मिनट्स में 100% चार्ज हो जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट होगा, ठीक है। तो इसके मुतालिक जैसे ही कुछ कंफर्म होता है कि पाकिस्तान में कब लॉन्च हो रहा है, क्या सीन है इसका, क्या प्राइसिंग आने वाली, सब कुछ आपको बताऊंगा इसी वीडियो में, तो वीडियो आप मतलब नेक्स्ट वीडियोस में। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो के मुतालिक कोई सवाल रह गया हो तो मुझे कमेंट्स करके पूछने में जवाब देने की कोशिश करूँगा, ओके।